विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दल बदलों की राजनीति यहां पर नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कमल छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए हैं, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ सवाल उठाए हैं, योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया है, उसके बाद बीजेपी कमजोर जरूर हुई है। हालांकि पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपनी कमजोरी जनता को न महसूस होने दी, न विपक्षी दलों के सामने उसे लाकर रखा। खैर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, नेता, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन रहे थे, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, इन्हीं दल बदलों की राजनीति देखते हुए अखिलेश यादव लगातार ये दावा कर रहे थे कि इस बार हम ही यहां पर वापसी करेंगे सत्ता में, जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ऐसा दाव खेला गया है जिससे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, 100 सोनार की और एक लोहार की। सोच कर देखिए जरा, चुनावी पहला चरण नजदीक आता जा रहा है, लिस्ट यहां पर जारी की जा रही है, और अब यादव परिवार की बहू भारतीय जनता पार्टी का कमल अगर अपने हाथ में पकड़ ले, अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो कमजोर यहां पर समाजवादी पार्टी जरूर होगी, और ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी की बहू, या यूं कहें कि यादव परिवार की बहू, भारतीय जनता पार्टी में आती है, तो इसे योगी आदित्यनाथ का, भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव कौन है, चलिए सबसे पहले आपको यही बताते हैं। मुलायम सिंह यादव ने खुद से उम्र में 20 साल छोटी महिला साधना से प्रेम विवाह किया था, और साधना पहले से शादीशुदा थी। उनका एक बेटा था प्रतीक नाम का। मुलायम सिंह यादव ने प्रतीक को अपना नाम दिया, और इन्हीं प्रतीक यादव की बेटी हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव का राजनीतिक इतिहास क्या है, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। साल 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही है अपर्णा यादव चुनावी मैदान में उतरी थी। अपर्णा यादव के चुनावी मैदान में उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद अपर्णा यादव ने जो बयान दिया था वो बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। अपर्णा यादव ने अपनी हार का जिम्मेदार अपने ही परिवार को बताया था, उन्होंने अपने ही परिवार पर अपनी हार का बिल फाड़ा था, और अब वही अपर्णा यादव जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। जैसे जैसे यूपी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम राजनीतिक दल अपने चुनावी अभियानों की तैयारी के साथ साथ विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी कैटेगरी के नेता सपा की तरफ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी जवाबी प्रहार की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाने के बाद जिस तरह के सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं, यकीनन बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, और अब इस ईंट का जवाब भारतीय जनता पार्टी पत्थर से देने के लिए तैयार है। इसका जरिया बनेंगी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। शनिवार शाम अपर्णा यादव ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की, और हो सकता है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव के शामिल हो जाने की आधिकारिक घोषणा भी हो जाए। विश्वसनीय सूत्र इस तरह के दावे कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या अपर्णा यादव बीजेपी में आ रही हैं? यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से किया गया। राकेश त्रिपाठी ने कहा, अभी उनके आने की हमारे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन वो आएंगी तो हम स्वागत करेंगे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आएगा, उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए आएगा, तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आती हैं, तो बीजेपी के लिए उन्हें जगह देना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव। साल 2017 में लखनऊ कैंट विधानसभा से एसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन चुनाव हार गईं। चुनाव हारने के बाद लखनऊ कैंट क्षेत्र में सक्रिय रहीं। अपर्णा की पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी है। यहां पर आपको बता दें, प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव की
पहली शादी से हुए बेटे हैं, यानी मुलायम सिंह यादव के भी वो सौतेले बेटे हैं। मुलायम ने साधना यादव से शादी के बाद प्रतीक को अपनाया और प्रतीक को अपना नाम दिया। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने अपर्णा को रिपीट योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपर्णा यादव को लखनऊ में अपनी गौशाला में बुलाया। इस घटना को ज़बरदस्त मीडिया कवरेज मिली। अखिलेश यादव से अपर्णा की नाराज़गी इस मौके पर साफ तौर पर देखी गई। अपर्णा अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगी, जाहिर सी बात है लखनऊ कैंट से टिकट चाहेंगी। अपर्णा के बीजेपी का रुख करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि समाजवादी पार्टी लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से उनको टिकट नहीं देने वाली है। लेकिन क्या उन्हें टिकट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा? इस सवाल पर राकेश त्रिपाठी कहते हैं, बीजेपी में टिकट पार्टी नेतृत्व तय करता है, वही इस पर फैसला करेगा। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से अपने बेटे के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से जीतती रही हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद साल 2017 में यहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और साल 2019 में लोकसभा पर रिपीट और साल 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए ये सीट उन्होंने छोड़ दी। उपचुनाव जीतने वाले मौजूदा बीजेपी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी भी यहां से टिकट के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। आपको बता दें, अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ जाने की चर्चाओं पर टिप्पणी करते हुए सपा के एक नेता ने कहा, अपर्णा समाजवादी पार्टी में बहुत सक्रिय भी नहीं थी, उन्हें पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए। वहीं राजनीतिक हलकों में अपर्णा और डिंपल यादव के बीच संबंध भी कुछ अच्छे नहीं माने गए। यानी अपर्णा यादव अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करना चाहती हैं, समाजवादी पार्टी कमज़ोर ज़रूर होगी, लेकिन बीजेपी को इसका एक बड़ा फ़ायदा होने के आसार नज़र आ रहे हैं।